देखिए, मैं क्यों कहता हूँ कि औरत से ज्यादा वफादार मैंने आज तक कोई नहीं देखा। मैं आपको रियल टाइम एग्जांपल दे देता हूँ, और मुझे आज तक समझ नहीं आई कि इन मर्दों को कौन सी वफादारी, कैसी वफादारी चाहिए औरत से। इसकी मतलब इससे ज्यादा और क्या हो सकता है। और मैं आपको बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देने लगा हूँ। मेरे पास एक नहीं, पता नहीं कितने ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर लोग इजहार करते हैं, और ये बड़े प्रैक्टिकल हैं ये चीजें। आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि औरत है, वो एक बंदे के साथ रहती है, उसका शौहर उसको जब दिल करता है उसको मारता है, उसका शौहर जब दिल करता है उसको पीटता है, उसको जलील करता है, उसको गालियां देता है, उसके माँ बाप को गालियां देता है, जब दिल करता है उसको घर भेज देता है, जब दिल करता है उसको उठा के बाहर फेंक देता है। कोई मोहब्बत नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। फिजिकल अब्यूज भी है, मेंटल अब्यूज भी है, इमोशनल अब्यूज भी है। ये तीनों चीजें किसी इंसान के साथ की जा रही हो ना, तो इंसान वैसे ही फौत हो जाए। तो ऐसी औरत फिर भी शी डिसाइडेड टू बी विद दैट पर्सन, और वो फिर भी उस बंदे के साथ रह रही होती है। आप मुझे बताएं, इससे ज्यादा वफादारी और क्या चाहिए आपको? इतनी वफादारी किस में हो सकती है? आप में है ऐसी वफादारी? नहीं होगी। आप कर ही नहीं सकते, आप रह ही नहीं सकते, 2 मिनट नहीं रुकेंगे आप। और इतना सब कुछ करने के बाद तो आपको और क्या चाहिए, मुझे बताएं, आपको कौन सी औरत चाहिए? अगर इसके अलावा भी आपको आपको नहीं वफादारी उसमें लगती ना, और आपको उससे अच्छी औरत चाहिए, तो फिर जिंदगी में कभी, इस जिंदगी में तो क्या आपको कभी